एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने ध्वजारोहण किया व पासिंग परेड की सलामी ली। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासन द्वारा पदक पाने वाले एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य पुलिस कर्मियों को पदक से नवाजा, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद वासियों, प्रदेश वासियों व देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद में पुलिस परेड ग्राउंड पर पुलिस परेड आयोजित किया गया और परेड की सलामी मंडलायुक्त द्वारा ली गई। गणतंत्र दिवस भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिवस है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि हम आजादी के उन वीर शहीदों को याद करें। संविधान सभा ने बहुत ही अच्छे संविधान का निर्माण किया है और हम सभी भारतवासियों को एक आजाद देश में अपने प्रगति के पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन सभी वीर सपूतों को नमन करता हूं और यह आशा करता हूं कि हम सभी भारतवासी एकजुट होकर अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी ने जो संकल्प लिया है अपना अपना योगदान देंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार द्वारा जो पदक दिया गया है उससे पुलिस के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का उत्साहवर्धन हुआ है। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी, एडीजी जोन अखिल कुमार, आईजी डीआईजी जे रविंद्र गौर, जिलाधिकारी कृष्णा करुनेस, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एडिशनल एसपी सीओ कैंपियरगंज श्याम देवबिंद, एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुस पारिक, सीओ कैंट योगेंद्र सिंह, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, कोतवाली थाना प्रभारी रणधीर मिश्र, राजघाट थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी व नागरिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, आगमन हो चुका है। डॉक्टर ग्रोवर का गौरव ग्रोवर सर 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। परेड कमांडर फर्स्ट कमांडर हेतु आग्रह करने के लिए आगे आते हुए निरीक्षण के लिए तैयार है सेना। इसका निरीक्षण करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय कमिश्नर रवि कुमार एनजी सर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय। जान है तीन रंगों में रंगा ये अपना कार्यरत थे।
और आत्मव्यक्त करते हैं। वर्तमान समय में अपराध शाखा में नियुक्त है। बहुत बहुत बधाई हो सर, और आप सबसे अनुरोध है जोरदार तालियां बजाकर हमारे पदक का प्रोत्साहन बढ़ाते रहे। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त बहुत बहुत बधाई हो अनिल पांडे सर, तालियां बजा करके हमारे इन पदक विजेताओं को प्रोत्साहित करें और अन्य पुलिस कर्मियों को प्रेरित करें। श्री कृष्ण यादव सर, श्री मनोजनाथ मिश्रा सर को, श्री मनीष कुमार यादव, प्रशंसा चिन्ह सिल्वर, सात पुलिस मुठभेड़ों में शामिल इनामी अपराधियों को पकड़वाया। अमित कुमार राय, 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। एक तरफ हम स्वतंत्र की जश्न मना रहे थे, वही दूसरे तरफ विभाजन की काली छाया देश के ऊपर छाया हुआ। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व भारत को और देख रहे थे कि क्या हम 560 से अधिक देशी रियासत एवं 17 ब्रिटिश प्रांतों को जोड़ करके एक अखंड भारत का निर्माण हम कर सकते हैं। इसके बारे में एक मजबूत इन सभी चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए हमारा संविधान 11 महीने 18 दिन में हमें एक सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया है, पुत्र के रूप में खड़ा है और हमारे गौरव को बढ़ा रहा है। 73 साल में हमारे संविधान के कारण हमें बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुआ है। इनके नेतृत्व में हम विश्व के हर संस्था में प्रमुख स्थिति को हासिल करने में प्रबल तरीके से दावेदार हो रहे हैं। गणतंत्र दिवस के 74वें खड़े हैं काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है यारो, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है यारो, दम हो तो जियो ऐसा कि मिस। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वास्तव में सभी दर्शक इतने मंत्रमुग्ध हैं कि तालियां बजाना भूल। भाई साहब आगे बताया, थोड़ा पीछे जाओ भाई, थोड़ा पीछे। ठीक है, वो हम आपको तो ना ही लोग थैंक यू। एक मिनट सर, थैंक यू अत्यंत गर्व का क्षण है हमारे लिए, इस पुलिस ग्राउंड के लिए कारीगर यहाँ एक साथ उपस्थित हैं। बहुत ही शुभ क्षण है। गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर मैं आपके माध्यम से सभी जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। गणतंत्र दिवस परेड के रूप में जनपद गोरखपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। परेड की सलामी मुख्य अतिथि मंडलायुक्त गोरखपुर मंडल सर द्वारा ली गई। सभी सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। आज का ये दिवस हम सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत ही गर्व का दिवस है। ये दिवस हमें मौका देता है कि हम आज़ादी के उन परवानों को याद करें, संविधान सभा में जिन्होंने हमारा इतना उत्कृष्ट संविधान
का निर्माण किया और हम सभी भारतवासियों को एक आज़ाद देश में अपनी प्रगति के पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं उन सभी को नमन करता हूं, अपने श्रद्धा सुमन भेंट करता हूं और ये आशा करता हूं कि हम सभी भारतवासी एकजुट होकर के एक संकल्प लेकर के अपने देश को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प लिया गया है उसमें अपना अपना योगदान देंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी को बहुत बधाई।